का दिन 24 25 अगस्त को मैं मिशन 200 लॉन्च करता हूँ। ये गरीब बच्चों के लिए है, जो बच्चे अपने पैसे से नहीं यहाँ पढ़ सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, उनके लिए मैंने 200 बच्चे के लिए फ्री रहने का, फ्री खाने का और ट्यूशन फी जो उनको मिलेगा गवर्नमेंट से, दे उनको कोई फी नहीं पेमेंट करना है, गवर्नमेंट विल पे। ये सभी मिला के लगभग खर्चा आते हैं 4,76,000, जो कि पहला कि 76,000 रुपया हम उन लोग को माफ़ करेंगे। दूसरी बात कि जो 200 बच्चे हमारा सिलेक्शन होंगे, हमारे एडमिशन बहुत हैं, लगभग 1,000 के हैं, लेकिन उसमें से मैं 200 बच्चों का सिलेक्शन करूंगा जो मेरे कैंपस में ही रहेंगे, मेरे यहाँ ही फूडिंग करेंगे, उनको सुबह से मतलब 24/7 हमारे रूल्स रेगुलेशन में चलने होंगे। उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा एग्जामिनेशन से होगा, एग्जामिनेशन 1 और 15 सितंबर को है। उस एग्जामिनेशन में यदि वो पास करते हैं तो उनको सभी चीज़ फ्री दिए जाएंगे, उनका ट्यूशन फी हो, उनका खाने का हो, उनका रहने का हो। लेकिन इससे ज़्यादा जो हम एक स्टेप आगे लेके करने जा रहे हैं एजुकेशन में, वो है कि यदि वो लड़का, क्योंकि मैंने सिलेक्शन किया है, तो यदि वो लड़का नहीं करता है, इसका मतलब हमारे कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जिसके चलते वो लड़का सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि लड़का सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं उनका जो फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, वो लौटा दूंगा। लौटाने के साथ साथ मैं क्या करूंगा कि हम लोग एक स्टार्टअप 10-12 तैयार करके रखेंगे कि बच्चे कहाँ, हमारे ये बच्चे जा सकते हैं, यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ था, गवर्नमेंट जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट जॉब, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और सुबह से शाम तक जिस तरह से बच्चे एक रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उस तरह से मैं पढ़ाई दूंगा। सुबह में उनके जो रूल्स हैं मैं बता देता हूँ, पीटी होंगे उनके आधा घंटा के, पीटी के बाद उनको नाश्ता मिलेंगे, नाश्ता के बाद उनकी कोचिंग होगी एसएससी, बीपीएससी, रेलवे एंड बैंकिंग सेक्टर की। ये होने के बाद उनको फिर नाश्ता मिलेगा, नाश्ता के बाद फिर से क्लास उनके होंगे, रेगुलर क्लास जो बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमसीए के होते हैं, जिसको हम पढ़ाते हैं, उसके सपोर्ट में हमने कोचिंग दिया है, जिसमें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की कोचिंग दी जाएगी। पढ़ाना है बीसीए, बीबीए, लेकिन मैंने क्या किया कि उनको 24 आवर हम अपने कैंपस में रह के उनको ऐसा तैयार करें कि वो गरीब एक अच्छे मुकाम पा सके, ये मेरी मंशा है। और आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग की शुभकामनाएं रही, तो मैं कंफर्म हूं कि मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये बीसीए बीबीएम भी मैंने ही 2000 में बिहार में लाया था। उसमें मैंने कोशिश किया था गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में ही स्टार्ट किया था, जबकि मेरा कॉलेज 95 से है। मैं जब बंगलोर में खोला, बंगलोर के बाद यहाँ मैंने ही बीसीए बीबीएम एमबीए एमसीए लाया। अदरवाइज़ क्या होता था कि यहाँ लोग कहते थे डिस्टेंस एजुकेशन इन रेगुलर मोड कह के बहुत बच्चों को ठगा गया, माने बीएससी, आप बीएससी आईटी कर लिए या बीसीए कर लिए डिस्टेंस मोड में, तो एमसीए में एडमिशन नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने उसमें बीसीए, बीबीएम, एमबीए और एमसीए रेगुलर कोर्स में मगध यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करवाया। उसमें भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज को पहले टेक्निकल नो हाउ दिया, मतलब उसमें मैंने पढ़वाया, जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बी डी विंग कॉलेज, रामलखन सिंह यादव कॉलेज, मसौढ़ी में कॉलेज थे, लगभग सो मेनी कॉलेजेस को मैंने टेक्निकल नो हाउ दिया। आज के डेट में उसमें लोग कहा करते थे, वीसी भी कहते थे कि ये कोर्स चलेगा जी, मैंने 2000 में कहा था कि यही कोर्स का समय आने जा रहा है और यही चलेगा, क्योंकि आज के डेट में हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन बीसीए, बीबीएम, एमबीए, एमसीए करके आप इतना स्किल्ड हो जाओगे कि आपको कोई ना कोई नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं ये 200 की जो बात कर रहा हूँ, इसको मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, इसी का आज मैं लॉन्च कर रहा हूँ।
आपका मिनिमम फी क्या है? मेरा मिनिमम फी है 2,60,000 फॉर BCA, MBA के लिए है 292, BCA के लिए है 260। कितने साल के लिए है? थ्री ईयर्स फॉर UG, 2 years फॉर PG, MBA और इसके अलावा कोई चार्ज है या फिर? नहीं, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं। हॉस्टल फैसिलिटी के लगभग 4 लाख रुपये गवर्नमेंट देती है, जिसमें 292 काट लीजिए, उसके बाद रिमेनिंग ऐसे लगभग आता है कि 1,76,000 का मतलब आता है खर्चा, लेकिन मैं 76,000 उनका माफ़ कर रहा हूँ। 4 लाख में ही उनको सब फैसिलिटी देंगे, और नहीं होंगे तो जो 2.5 लाख है जो मेरा फ़ी आपने बात किया, उस फी को उसको लौटाते हुए कोशिश करूँगा कि जो मेरा स्किल्ड लोग प्लेसमेंट सेल के हैं वो उसको किसी न किसी स्टार्टअप में काम दे दे कर ले, अब हो जाएगा, हम कन्फर्म हैं इसके लिए। मैं कन्फर्म हूँ क्योंकि मैं भी एक गरीब का किसान का बच्चा था, हमने भी 1 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रैक किया था। जब 1 साल की पढ़ाई में कर सकते हैं तो 3 साल में मैं श्योर हूँ कि मैं करवा दूँगा बच्चों का। अपना परिचय दे दीजिए।